प्राइस देख सकते हो, स्वर्ग जयंती पार्क सेक्टर 10 रोहिणी दिल्ली। वेलकम बैक टू माय एक और न्यू ब्लॉग दोस्तों। हम लोग आज आए हुए हैं न्यू दिल्ली पार्क घूमने के लिए। दोस्तों ये काफी बड़ा पार्क है। तो गाइस यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर नाम तो नहीं लिखा है पर उसमें कुछ गाइडलाइंस लिखी होंगी, वो हम आपको दिखाएंगे जो पीछे वाले कैमरे से। गाइस तो गाइस ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो दिल्ली विकास प्राधिकरण, यह आम रास्ता नहीं है, इसकी कुछ गाइडलाइन है। साइकिल स्कूटर वगैरह या कुत्ता लाना इसमें मना है, कृपया रास्ते पर चलें व फूल पत्ती न तोड़ें। तो गाइस इसकी जो कुछ गाइडलाइन है वो आपको हमने पढ़ा दी है। और इधर आप लोग देख सकते हो गाइस काफ़ी बड़ा पार्क है जी, लगभग इसमें हमें 3 से 4 घंटे लग जाएँ घूमते घूमते। गाइस लगभग मान के चलिए हम 5 से 6 किलोमीटर का होगा पूरा पार्क। तो गाइस हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। गाइस ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो इसके लिए बेचिंतित रहिए, हम आपको बढ़िया बढ़िया ही जगह दिखाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो ये देख सकते हो गाइस उधर से और इधर से, मतलब बीच की अगर दूरी होगी इसकी तो लगभग 100 मीटर की होगी, 100 मीटर से कम ही होगी। गाइस चलते हैं। और सही जाए ना क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना, आ जाना तू मेरे पास दूंगा इतना प्यार। देखिए गाइस अभी हम रूम से आएंगे तो 1 किलोमीटर चल चुके हैं और 1508 जो कि स्टेप चल चुके हैं गाइस। और इस पार्क से हम निकलेंगे तब आपको दिखाएंगे हम कितना इसमें चल चुके होंगे। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हम वहाँ से लगभग 500 मीटर आगे चला आए हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्राउंड है जो कि आप लोग देख सकते होगे, पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है, मतलब ऊंचा नीचा ये घास है, मतलब यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखिए ब्रो आ रहा है, ये देख सकते हो गाइस, हम तुम्हें ग्राउंड दिखा देते हैं गाइस। अगर देखिए हम पूरा आपको दिखाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा गाइस, हम फिर भी मतलब आपको मेन जगह दिखाएंगे गाइस तो आप लोग समझ सकते होगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो मिट्टी डली थी हम उस मिट्टी के ऊपर चढ़ चुके हैं, ये देखिए। अगर दोस्तों आप लोग पार्क में आते हो दोस्तों पार्क में आप लोग गंदगी ना फैलाएं दोस्तों, ये देखिए गाइस ये ऐसी गंदगी वगैरह ना करें आप लोग, अगर पार्क में आते हो ऐसी गंदगी ना करें। ये सी पार्क में नहीं गाइस, कहीं भी आप लोग जाते हो गंदगी ना करें, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, क्योंकि गंदगी करने वाले हम ही लोग होते हैं गाइस और सफाई भी करने वाले हम ही लोग होते हैं, तो गंदगी से नुकसान हमें है गाइस। और चलते आपको और दिखाते आगे भी, ये देखिए गाइस कई प्रकार की गंदगियाँ डली हैं यहाँ पर। ये देखिए लंच वगैरह भी लेके आते हैं लोग ऐसे ही फेंक जाते हैं, और इसमें ज़रूर यहाँ पर कहीं डस्टबिन का वो भी होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे है भी या नहीं है। सो गाइस देख सकते होगे आगे मतलब जो गेम्स हैं बच्चों के लिए, ये झूले हैं और मतलब सरकने वाले ने क्या बोलते हैं भाई सरकने वालों को, भाई मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, देखिए भाई हमें तो नहीं पता पर हम आपको दिखा गजब बेइज्जती है दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हो हम भाई से कुछ करवा के देखते हैं यहाँ पर, तो भाई चलिए इस पर चढ़िए, इस पर क्या होगा भाई आप लोग बताइए हमें। आप देखिए भाई ऊपर चढ़ चुका और डिप से मार रहा है, ये देखिए अब हम इस पर डिप से मरवाएंगे यहाँ से लटक, भाई देसी बंदा है देखिए ओंचा अपना साथ लेके आ जाए, ये देखिए ओ भाई यार इसने तो पकड़ लिया अभी। गाइस यार डिप से तो मैं भी मारूंगा, देखता हूँ कितनी मार लूंगा मैं, ये देखिए भाई आज ही सोडे डोले बना देगा पूरे अपने, ये देखिए गजब यार कितने मार दिए यार, ओ पता बोल रहा है मेरे मैंने नहीं गिने। मैं जा रहा हूँ जो कि डिप से लगाने के लिए, अब ये बनाएगा वीडियो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। दोस्त भाई भाई की हाइट डबल है भाई, वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे, गजब बेइज्जती है। देख ना भाई नहीं पहुंच रहे यार, भाई के बस से बाहर है। तो दोस्तों ये उधर वाले झूले से जो है इस वाले पे आ गए हैं, वो आप पकड़ नहीं पा रहे थे, अब ये मारेंगे डिप्स, हम देखेंगे। अब बड़ा हरामी हो बेटा, आप दोस्तों चलते हैं इधर से। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो
एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। और राम राम सबको राम। देखिए गाइस हम यहाँ से और आगे निकल आएंगे, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का व्यू है और यहाँ पर देखिए एलिफेंट होंगे और दोस्तों उस तरफ जो है डक वगैरह की बनी हुई है, डक वगैरह बतख है गाइस। और इधर देखिए बैठने की भी जगह है दोस्तों, हम लोग उस तरफ से इस तरफ आ चुके हैं। इस तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का व्यू है गाइस, बिल्कुल जंगल सा लगता है जैसे कि आप लोग किसी जंगल में आ चुके हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं, और भी आपको बहुत सारे इसमें प्लेसेस हैं जो बढ़िया से बढ़िया हैं, आप लोगों को जो हो सकेगा वो दिखाएंगे। इसमें कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं हमसे, आप लोग ब्लॉग को पूरा ही देखना। और दोस्तों सो गाइस हम काफ़ी दूर से चलते चलते आ रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो पीछे हमारी जो झील है वो हम आपको झील दिखाते हैं गाइस। सो गाइस चलते हैं और आपको दिखाते हैं फिर झील का पूरा व्यू। चलिए गाइस, अरे बाप रे। सो गाइस पिछले वीडियो में हमने आपको ये फोटो कुछ दिखाए थे, कुछ फोटो यहाँ के थे, कुछ आगे वो पुल के थे गाइस, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और झील आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ से, ये झील है गाइस, हम आपको आगे से दिखाते हैं पूरा फुल व्यू। तो चलिए गाइस आगे के लिए, तो आप लोग देख सकते हो जब झील के बिल्कुल पास आ चुके हैं, ये देखते हो पूरा नज़ारा यहाँ से, पूरा झील मतलब खराब है मतलब पानी से, बोट वहाँ पड़ी है कहीं पर, तो हम आपको बोट भी दिखाएंगे कहाँ पर वो पड़ी है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो झील का पूरा व्यू, पहले पूरा व्यू दिखाइए करते करते खतरा। सो गाइस इसके आगे जो एक पुल है, जो वो पुल वैसा है जो कि रस्सों पर टिका हुआ है, उसमें कोई नीचे पिलर नहीं है ना ही कोई सपोर्ट है उसमें, उसमें केवल रस्सों की सपोर्ट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं गाइस और आगे के लिए। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो टहलने वालों की भी संख्या कोई कम नहीं है गाइस, क्योंकि जितना बड़ा पार्क है तो लोग फैले हुए हैं काफ़ी जगह में। तो आप लोग देख सकते हो हम अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा। यहाँ पर देख सकते हो गाइस बच्चे मतलब क्रिकेट वगैरह खेल रहे होंगे, ये देखिए इसमें साइकिल लाना मना है, पर देखिए गाइस फिर भी साइकिल है इसमें, तो देखिए थोड़ा बहुत तो चलता है। सफर शुरू कर दिया अकेले रहने का, अब दोस्त यार और प्यार नहीं चाहिए दिल दुखाने के लिए। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर पीछे बोट है, बाइक से पूछते हैं इसके बारे में कुछ। यहाँ पे जो बोटेज हैं इनके जो लॉक लगा हुआ है अभी, तो इनमें हम जो कल गए थे ताला लगा हुआ है इनमें। और दोस्तों अभी जो है यहाँ पे चलती नहीं है, ये बंद है क्योंकि यहाँ पे अभी काम जो है वर्किंग है अभी। दोस्तों अभी हम लोग आपको उस तरफ से भी बोट दिखाएंगे इसके पास में जाकर। अभी गाइस देख सकते हो बोटों को, यहाँ से आपको कमी दिख रही होंगी, हम आपको पास से दिखाएंगे। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके की, वहाँ ऊपर से दिखाएंगे उधर भी रास्ता। सो गाइस हम पीछे से आ रहे थे, तो आप लोग देख सकते हो कि आगे हम जितनी आते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा भीड़ मिल रही है गाइस। ये देखिए थोड़ा जूम करके दिखाते हैं और बाकी हम पास में जाके दिखाएंगे गाइस आप लोगों को। वॉलीबॉल बोलते हैं इसे। और देख सकते हो यहाँ पर लोग वर्जिश वगैरह कर रहे होंगे, ये देखिए भाई चल रहा है अपना। आगे देख सकते हो काफ़ी लोग, जो आप लोगों को पीछे मिले थे वही लोग आगे भी हैं वैसे ही, और यहाँ पर वर्जिश वगैरह कर सकते हो आप लोग। ये देखिए स्टेप बाई स्टेप सारी तरीका की मशीनें हैं जो कि आप लोग जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। ये देखिए हर प्रकार की हैंगी, अगर आपको कमर हिलानी है पैर से भागना है सभी तरीका की यहाँ पर वर्जिशें हैं गाइस। ये देखिए भाई एक हाथ करेगा तू, एक कर ले इस पर चल के दिखा, चल दोनों लोग चलेंगे, हम दोनों लोग चलेंगे गाइस इस पर, इस तरीके से चलती है जी, हम आपको दिखाएंगे अभी कैसे चलाएंगे हम भी दोनों लोग। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हम दोनों लोग चला रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से चलती है। ये देखिए गाइस हर तरीके की इसमें एक्सरसाइज थी वो हमने आपको दिखाई थी, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। और इधर देखिए चिड़िया बल्ला जो लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये भाई जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं। चलो तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम जो है 4155 स्टेप चल चुके हैं और 2.8 किलोमीटर जो है दोस्तों हम जो घर से यहाँ तक आए हैं उतना हो चुका है। तो देखिए बाउंड्री के अंदर था ये, फिर बाद में फैल गया, ये देख सकते हो जो लोहे की जो असर वो डली थी क्या बोलते जाल सरियों का, वो भी देखिए तान दिया पूरा फट गया है। ये देखिए जड़ वृक्ष में देखिए गाइस कितनी ताकत होती है अभी है ना। हाँ तो गाइस इधर देख सकते हो कितना अच्छे मतलब जो क्यारियाँ बनी हुई है अभी, यहाँ पर देखिए इसकी अच्छी से अच्छी सफाई भी है, लेकिन डिजाइन भी आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है गाइस। और इसमें मतलब टेबलें भी डली हुई है बैठने के लिए, आप लोग यहाँ से आ सकते हो और अच्छे तरीके से मतलब बैठ सकते हो। इधर गाइस भी दिखाइए
सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए सपड़ियों के पेड़ और पता नहीं क्या क्या पेड़ है। ये भाई से हम पूछते हैं और ये बताएगा हमें। भाई गाना बंद कर ले, कॉपीराइट मिल जाएगा। ये देखिए बरगद है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरगद और पीपल ही के पेड़ हैं गाइस। और ये पेड़ किसका है? इस पर काफ़ी बड़ा पत्ता है गाइस। ये देखिए गाइस अमरूद का पेड़ है, ये भाई बताएगा अभी। मेरे हिसाब से तो अमरूद का पेड़ है, फिर इस पर अमरूद वगैरह फिर नहीं लगे तो पक्का नहीं पता किसका है। मुझे देखने में लग रहा है कि अमरूद का पेड़। पर यहाँ पर देख सकते हो गाइस आप लोग अच्छी तरीके से बैठ सकते हो, कितनी भी धूप पड़ रही हो आप लोगों को धूप नहीं लगेगी यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी यहाँ पर। ये देख सकते हो काफी बड़ा है गाइस पार्क हो चुका है ये। अभी हम आपको किलोमीटर भी दिखाएंगे हम कितना चल चुके हैं। तो हमने अभी भी गाइस आधा ही घूमा है ये, पहले जो आपको बताया था वो आधे का आधा था और ये सिर्फ आधा घूमा है अभी। अभी तो बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस, पूरा दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हो गाइस रास्ते कुछ ऐसे हैंगे। ये देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है गाइस, देख सकते हो यहाँ पर। हमें लगता है यहाँ पर पूरा एंड हो चुका है, यहाँ से लोग जो भी घर हैं वो लोग आते रहते हैं यहाँ पर। ये देखिए पूरा पार्क का मतलब यहाँ पर एंड दिख रहा है गाइस इधर की साइड से। अभी हम झील के उस तरफ नहीं गए हैं, तो झील के उस तरफ जाने के लिए हमें एक पुल मिलेगा, तो उस पुल पर आपको दिखाएंगे हम पूरा व्यू गाइस। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मेट्रो वाला जो पुल है वहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेट्रो का पुल भी। देखो गाइस देखिए गाइस हम पुल के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। ये देखिए मेट्रो वाला जो पुल है, अब हमें जाना गाइस उधर की साइड जो कि यहाँ पर देखिए खाली है। यहाँ पर जो सड़क है ना वहीं तालाब था वो गाइस, वो वहीं तक है, रोड के उस तरफ से अंदर ही है तालाब। तो गाइस हम तालाब के उस तरफ जाएंगे, वहाँ भी आपको कुछ नई नई चीज़ें दिखाएंगे। तो चलते हैं गाइस वहाँ भी और आपको दिखाते हैं गाइस। दोस्तों आप लोग देख सकते हो उधर जो है बैठने के लिए, बच्चों के लिए घूमने के लिए, और वो तो दोस्तों आप लोग सामने वो पुल देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये लटका हुआ पुल है, इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों अभी उस पुल पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं उस पुल का नज़ारा कुछ। सो गाइस वहाँ पुल पर चलेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ से होके पूरा इधर के लिए गए थे, वो आपको हमने दिखाया था पीछे, मतलब ख़त्म था वहाँ पर। तो गाइस अब चलते हैं आपको उस पुल पर ले करके। सो गाइस देख सकते हो अभी आप लोग हम आ चुके हैं पुल पर। तो गाइस भाई आगे चल रहा है, वो आपको उसके बारे में सारा कुछ बताएगा, क्योंकि हम को बताया कि हम एक दिन पहले यहाँ पर घूम चुके थे गाइस। देखिए गाइस इस जो फाउंडेशन का खिंचाव देखिए यहाँ से हो रहा है, ये देख सकते हो। इसके ऊपर से हम आपको दिखाएंगे फिर इसका क्या मतलब है। तो भाई जा रहा है वो आपको कुछ बताएगा, और जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा कुछ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पिलर बना हुआ है, और ये जो हमने खिंचाव आपको बताया था नीचे से, वो देखिए यहाँ से होके निकल रहे हैं। ये देखिए इसमें पीछे से खिंचाव है पूरी बाउंड्री का, मतलब बाहर मतलब यहाँ पर गाइस पुल पर गेट यहाँ तक तो सही। यहाँ पर देखिए कुछ लोग मतलब अपने फोटो वगैरह खींच रहे होंगे, ये देख सकते हो। ये देखिए भाई खड़ा हुआ है। भैया हेलो, इस पुल से नीचे उतर के आए हैं जो कि हम उस मतलब झील से हो गए इधर के लिए। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो इधर भी एक ग्राउंड है काफ़ी बड़ा, यहाँ पर लेक लोग बाग देखिए क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो एक दो क्रिकेट नहीं खेल रहे, काफ़ी लोग खेल रहे हैं गाइस यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी पिच बनी हुई हैगी, और आगे भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ गाइस, वहाँ भी देख सकते हो गाइस उधर भी एक जो पिच बनी है दो एक बनी। तो आप लोगों ने जो पुल की क्लिप देखी है दोस्तों, अभी उस पर जो है ये आपने फोटो वगैरह शूट कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ, तो दोस्तों वो लोग कह रहे थे भी आधा घंटे बाद आना, तो दोस्तों हमने आधा घंटे जाने के बजाय तो दोस्तों हमने ऐसी वीडियो जो है वो क्लिप शूट कर ली है, और आप लोग देख लेना दोस्तों। आप आगे का चलते हैं, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कचड़े का ढेर लगा हुआ है। तो दोस्तों इस कचड़े को जलाया नहीं जाता, ये वेस्ट के रूप में नहीं है दोस्तों, इसका काम भी लिया जाता है। इस जो है ये कूड़ा कुछ 5 से 6 महीने रखा जाएगा, और इसको जो है रखने के बाद इससे जैविक खाद बनेगी। जैविक खाद जो है अपने छोटे छोटे जो आप लोग पेड़ लगाते हैं ना, ये छोटे छोटे इनमें ज़मीन जो मिट्टी के साथ डालने में डाल देते हैं, तो वो उसमें खाद नहीं डालनी पड़ती, इससे जैविक खाद होती है वही काम कर जाती है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने उधर से आपको बोटें दिखाई थी, वो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। ये देखिए ये वाली बोटें हैं, ये पैरों से चलाई जाती हैं गाइस, मैं आपको बता रहा था पैरों से चलती हैं। ये देखिए यहाँ पर दो लोग बैठ जाते हैं, ये ऐसे कुछ तरीके से चलती हैंगी। तो अभी ये मतलब बंद है, तो हम आपको ऐसे नहीं दिखा सकते इसमें बैठ के गाइस, तो हमने आपको सिर्फ बाहर से दिखाया है। तो यहाँ पर ये कुछ है, और टिकट काउंटर कहाँ पर है ये भी सब चीज़ बताएंगे, कितने का टिकट है यहाँ पर।
तो ये चलता भी है नहीं चलता है, ये सारी चीज़ हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले गाइस। तो चलते हैं बाहर के लिए और आपको दिखाते हैं भीतर का कुछ इस तरीके का व्यू हैगा जो आप लोग देख सकते हो गाइस। यहाँ पर देखिए कुछ वर्कर लोग भी हैं, सभी लोग रहते हैं यहाँ पर गाइस। यहाँ पर लिखा है दिल्ली पर्यटक विभाग, कृपया बोर्डिंग की टिकट लेने के अंदर ही। देखिए गाइस हम आपको यहाँ पर एक फ़ोटो डाल देंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 30 मिनट के बाद आने पर 130 और देना होगा, यानी कि आप सिर्फ 30 ही मिनट इसमें इंजॉय कर सकते हो गाइस। तो हमने ये भी चीज़ आपको बता दी, आपको रह गया हो वो भी हम आपको बताते चलेंगे गाइस स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं और आगे के लिए गाइस। अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि ऐसा इसमें कुछ भी खास नहीं है, जो कि 130 रुपये की टिकट है वो भी आधे घंटे की, और आधे घंटे में गाइस आप लोग इसे पूरा भी नहीं घूम सकते होगे। कम तो से कम दोस्तों आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे इसे घूमने में गाइस, इससे भी ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसका भी हमें कोई भी पता नहीं है गाइस। हम आपको किलोमीटर पे अभी दिखाते हैं कि कितने किलोमीटर हम चल चुके हैं गाइस। यहाँ पर देखिए गाइस सफाई अभियान चल रहा है। सो गाइस यहाँ का आपने पूरा व्यू देख लिया है, और ये देखिए मछलियों को ऑक्सीजन देने के लिए है। ये देखिए पानी में जो बुमोर बना रही हैंगी, ये यहाँ से मछलियों को ऑक्सीजन मिलती है इससे मतलब तालाब में। तो गाइस यहाँ से और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ नया व्यू। ये गाइस आपने देखा होगा फ्लैग ये लगा हुआ है, ये देखिए ऐसा फ्लैग तो मतलब ये सरकार में हर जगह ही लग जाएगा गाइस। गाइस वो वाला पूरा व्यू आपने देखा था, अब चलते हैं आगे के लिए। और तो यहाँ पर भी देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो गाइस ब्लॉग में यार लास्ट तक बने रहना आप लोग, आपको यहाँ पर 130 रुपये बिल्कुल नहीं पे करने पड़ेंगे, हम आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे। ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है गाइस, पर हम कोई चीज़ छोड़ने वाले नहीं है गाइस इसमें। सो गाइस ये काफ़ी बड़ा पार्क है ना, तो इसलिए यहाँ पर हर एक चीज़ अलग अलग बनी जाएगी, मतलब दूर दूर पर यह सेमी चीज़ आपको देखने को मिलती होगी गाइस। तो यहाँ से आगे के लिए ये आपने नहीं देखा होगा गाइस, ये देखिए जो कुछ यहाँ पर है चीज़ें वो आपको नई भी चीज़ें दिखा रहे हैं इन्हीं के साथ साथ गाइस। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़। पिछली वीडियो में आप लोगों ने फोटो वगैरह देखे थे गाइस, तो वो फ़ोटो कुछ जहाँ के थे तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस बच्चों के लिए है ये। ये देखिए गाइस पत्थर नहीं है, ये सीमेंट से बनाए हुए और इन पर कलर कर दिया है बाद में। और इधर भी देख सकते हो गाइस ये भी ऐसा ही है कुछ। तो भाई चढ़ के आना इधर से और उधर से उतर के आना जाल पे हो गए। देखिए भाई जा रहा है चढ़ के इस पर और रनिंग बहुत तेज़ गति से रनिंग करते ना गाइस, इसलिए ये जाल है तो आप लोग देख सकते हो गए। और इधर ये किस लिए है, इस पर भी चढ़ा जाता है गाइस कुछ इस तरीके से। भाई तू ही चढ़ के दिखा दे चल, देखिए मैं तो वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई चढ़ रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से इस पर चढ़ा जाता है गाइस, और इधर उतर सकते हो जैसे कि बच्चों के जो खेल कूद होते हैं ना वैसे ही सेम आप समझ सकते हो गाइस। और यहाँ पर देखिए इसका गेट है कुछ इस प्रकार का है गाइस, इसका भी फोटो हम आपको आगे दिखाएंगे गाइस। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पानी का फव्वारा है यहाँ पे लगा हुआ है इस नदी के अंदर ही, और इधर वो भी लगा हुआ है पानी का फ्लो रखने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने वो पीछे देखा होगा पानी का फव्वारा, और दोस्तों रजनीश भाई अपने एरे आके। और दोस्तों अब यहाँ से अब तो कुछ बचा नहीं है, और दोस्तों अब यहाँ से हम पार्क से एग्जिट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर दोस्तों आप लोग गाइडलाइन जरूर पालन करें और दोस्तों गंदगी वंदगी ना फैलाएं। गाइस अभी आप लोग देख सकते हो गे कि हम यहाँ से स्टार्टिंग किए थे और वहीं पर आ चुके हैं। ये देखिए विक्रम भाई बैठे हैंगे, हाय हेलो तो बोल दीजिए यार, आप लोगों के लिए ऑडियंस देख रही है। थक गए भाई घूमते घूमते पार्क। ये देखिए भाई बैठे हुए हैंगे, थक चुके हैं बोल रहे हैंगे, इसलिए यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो गाइस हम आपको पीछे कैमरे से दिखाते हैं, यही बोर्ड था वो हमने आपको दिखाया था गाइस पहले। ये देखिए गाइस हम इधर से आए, इधर से मतलब इस रूट पे गए थे यहाँ से होके, और उस रूट पे होके हम वापस आए हैं गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी फोन में दिखाता हूँ मैं आपको कि कितने किलोमीटर हम यहाँ से चल चुके हैं इस मतलब पार्क में गाइस। ये देखिए गाइस मैंने आपको पहले कुछ दिखाया था और आप कुछ देख रहे हो, ये देखिए इसमें दिखा रहा है 11,357 स्टेप है और 7.6 किलोमीटर हम यहाँ से चल चुके हैं गाइस इसी मतलब पार्क में। आई होप यू गाइस ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे अगले ब्लॉग जो हैं आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और चलते हैं फिर रूम के लिए। तो गाइस